हीराचंद जी नमस्ते। ओ आप भाई माफ करना, मैं कुछ अपनी ही धुन में जा रहा था। हम जानते हैं आपकी परेशानी, कहिए बच्ची का क्या हाल है? ठीक है, उसी को सैर कराने लाया हूँ। कहो भाई शिकारी, आजकल शिकार का क्या हाल है? अजी शिकारी साहब ने कल ही एक भैंस को चित किया है। भैंस? क्यों मजाक करते हो यार? अरे हजूर कब तक छुपाइएगा? भाई मैं कुछ नहीं समझा। बात यह है साहब कि बंदे ने एक मेम से शादी कर ली है और वो इन सबको पसंद नहीं। 100 बार कहा है कि उसे मेम मत कहा करो, डूबना ही था तो गहरे पानी में डूबते। भाई आखिर इस नफरत की वजह? पूछिए। वजह ये है हुजूर के मेरे माशूक का आलम एक जो बन निराला है वो है सरदार माशूक, मगर रंग में काला है। अरे ये क्या किया? अच्छा भाइयों आप भी इजाजत चाहता हूँ। शिकारी साहब एक दिन अपनी मेम साहबा को साथ लेकर हमारे बंगले पर जरूर आना। और हाँ, जाने से पहले मेम साहबा को साबुन से धोकर साफ भी कर लेना। शोभा कहाँ है? यहीं थी सरकार। कहाँ चली गई? ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अब क्या होगा? शोभा, हेलो हेलो प्रेस, अखबार में इश्तहार दे दो, आज शाम को 5 बजे करीब मेरी बच्ची शोभा रानी बाग से गायब हो गई है। तलाश करने वाले को 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बच्ची की उम्र 3 साल, गोरा रंग, भूरे बाल, बाई आंख के करीब एक काला सा गोल निशान, गले में सुनहरा लॉकेट, लाल फ्रॉक, सफेद जुराबे और सफेद बूट पहने हुए है। शोभा, मालिक, माधव, क्या खबर लाए माधव? भगवान के लिए जल्दी बताओ। मालिक, मैंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, ढूंढते ढूंढते पांव में छाले पड़ गए, मगर शोभा रानी का नहीं। नहीं ऐसा ना कहो माधव, शोभा मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं मर जाऊंगा, मैं बेमौत मर जाऊंगा माधव। हेलो हेलो, जी हाँ मैं हूँ गिरिजा शंकर। अभी अखबार में एक मनहूस खबर पड़ी है, क्या ये सच है? जी हाँ, कल शाम कोई बदमाश रानी बाग से मेरी पूंजी लूट कर ले गया है, मुझे तबाह बर्बाद करके चला गया है। गिरिजा शंकर भाई मैं बिल्कुल लुट गया हूँ। चिंता न कीजिए, हम शोभा रानी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हिम्मत की जरूरत है, सब्र से काम लीजिए। सब्र करूं? बहुत अच्छा। वक्त, तेरी जरा सी भूल ने मेरे घर का चिराग बुझा दिया, दूर हो जा मेरी नजरों से, तुम भी जाओ। किस अपराध की सजा दे रहे हो भगवान? अब क्या होगा? तकदीर फूट गई है बेचारे की। 1 साल पहले बीवी चल बसी, अब बच्ची खो बैठा है। कल ही की बात,
बच्ची की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए किस ठाट से देवड़ी पर खड़ा मेहमानों का स्वागत कर रहा था। बच्ची की सालगिरह मुबारक हो हीराचंद जी। शुक्रिया, पधारिए। मुबारक हो भाई साहब। मुबारक हो। अंदर तशरीफ ले चलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हीराचंद जी, शोभा रानी की सालगिरह मुबारक। शुक्रिया भैया जी, मुबारक हो। शुक्रिया। अरे ये तो प्रेम बाबू है। वाह बेटा, बड़ी तकलीफ उठाई आपने। आप बुलाए हम ना आए, कैसे टाल सकते थे। शुक्रिया। बिटिया कहाँ है? वो आ गई। अरे वारी बिटिया, आज तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। गोरे गोरे मुखड़े पर चांद ग्रहण का निशान शोभा रानी की शोभा बढ़ा रहा है। भगवान नजरें बद से बचाए। देखो बिटिया, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अजी इसकी क्या जरूरत थी। आप चुप रहिए जनाब। मेरे फूल। अंदर तशरीफ ले चलिए। हमने जो कुछ सोचकर वो हार शोभा रानी के गले में डाला था, कुदरत को मंजूर न था। चलो, हमें हीराचंद की दिलजोई के लिए फौरन वहां पहुंचना चाहिए। क्षमा करना प्रिय, ना मैं अपने वचन का पालन ही कर सका और ना तुम्हारी आखिरी निशानी की हिफाजत ही कर सका। शोभा, शोभा मेरी बच्ची, तू कहाँ है? जो बंजारा शहर जाकर खाली हाथ लौटे वो बंजारा नहीं घसियारा है सरदार, संभालिए। जीते रहो मेरे शेर। हजार दो हजार का माल दिखाई देता है और 2 लाख का माल वो रहा। सोने की चिड़िया उड़ा कर लाया हूँ सरदार। नाक नक्शा तो अच्छा है। भाई वाह, जादूगर मालूम होते हो मंगू। गोद में उठाते ही चुप हो गई। अब इसका पालन पोषण भी तुम्हें ही सौंपा। शुक्रिया सरदार, शुक्रिया। दिल बहलाने का खिलौना दे दिया है आपने। इसके कपड़े जलाकर बंजारों का लिबास पहनाया जाए और अपने रिवाज के मुताबिक रात को जश्न मनाया जाए। बहुत खूब सरदार, बहुत खूब। हम अपनी दुलारी बिटिया को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे, नाच दिखाएंगे। बदनसीब बाप की बदनसीब बेटी, तकदीर की चक्की में पिसने के लिए महल से झोपड़े में पहुंच गई है। भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं इस मासूम की हिफाजत कर सकूं। बरस बीत गए, रोते रोते आंखें फूट गई, मगर मुझ बदनसीब के दिल की मुराद पूरी ना हुई। राम जाने मेरी बच्ची कहाँ है, किस हाल में है। सब्र कीजिए मालिक, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करूं, मगर सब्र करने के लिए पत्थर का दिल कहां से लाऊं। मैंने मरने वाली को क्या क्या वचन दिए थे। अफसोस, मैं उनमें से एक भी पूरा ना कर सका। जब तक सांस है तब तक आस है। शोभा रानी एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी मालिक। झूठी आशा ना दिलाओ माधो,
वो अब क्या मिलेगी? अगर वो मर चुकी है तो मुझे भी मौत क्यों नहीं आ जाती? मालिक, 12 बरस तक जुदा रहने के बाद ही माता कुशल्या को श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे। सीता वनवास भी 12 बरस के बाद ही खत्म हुआ था। आपकी विपदा खत्म होने का समय भी करीब आ गया है। तब तो मुझे शोभा के इंतजार में जीना ही पड़ेगा। नहीं जल्दी उठाओ। भगवान के लिए जरा दम लेने दो, पांव सूज गए मेरे, अब मुझसे नहीं नाचा जाता। नाचो, नाचो। नाचती हूँ, नाचती हूँ। ए, जग्गू को बुला कर लाओ। सीरी तेरी नाचेगी या नहीं? नाचती हूँ, नाचती हूँ। हजूर का सरदार ने बुलाया है, है? तेरा तो पैर ही कट गया। पैर कट गया? ठहरो, मैं पट्टी बांध लूं। जग्गू, दुलारी ने कुछ नाच गाना भी सीखा ही नहीं। हमें पैसा कमाना है, पास से कब तक खिलाते रहेंगे? मैंने उसे ऐसा तैयार किया है सरदार कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। बिजली बन गई है बिजली। बिजली? फिर तो हर तरफ से दौलत की बरसात होने लगेगी, निहाल हो जाएंगे हम लोग। मैंने बड़ी मेहनत की है सरदार। मैं जानता हूं। शादी करोगे? आपने मेरे दिल की बात कह दी, वो भी मुझ पर मरती है। हाँ तो फिर क्या है, थोड़ी सी दौलत कमा ले, दिवाली पे शादी। जो हुक्म सरदार, जो हुक्म। जा रे जा।
किसकी याद सता रही है? जो नहीं जानता वफा क्या है। कौन है वो मूर्ख? अरे वारे मेरे भोले कबूतर, बिल्ली को देखो और आंखें बंद कर ली। एक दिन ऐसा झपट्टा मारूंगी कि सारी गुटर को भूल जाएगा। अरे आखिर बात क्या है, कुछ कहोगी भी? तू मुझे निजात दिखाने के लिए दुलारी को नाच सिखा रहा है? नहीं बाबा, मुसीबत में पड़ गया हूँ। सरदार का हुक्म है कि कस्तूरी के साथ साथ दुलारी भी बाजार में नाचने जाया करे। मैं और चुटुंदर के साथ नाचूं? छी, यही तो मैं भी कहता हूँ। भला दुलारी और मेरी कस्तूरी का क्या मुकाबला? तेरी कस्तूरी? आहा, एक बार फिर से कहिए जग्गू। जग्गू नहीं कबूतर। चल बैठ के चोंच लगाए, मीठी मीठी बातें करें। तू बैठ, मैं भी आया। जग्गू जरा जल्दी आना। हाय राम, मोहब्बत दी एक मुसीबत। उफ़ो, जाने कहाँ रख दिया है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? कलम ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा लाडला हमारी चीजों को भी तो नहीं छोड़ता? दराज में देखिए। हैं? ये क्या 555? अजी मैंने कहा सुनिए तो, आपका लाडला इस उम्र में सिगरेट पीने लगा है। माफ कीजिए, मेरा प्रेम सिगरेट नहीं पीता। तो फिर श्रीमती जी शौक फरमाती हैं? हाय राम, मैं और सिगरेट? तो फिर ये डब्बा इस कमरे में किस तरह आया? चलो प्रेम से पूछें। प्रेम, क्या हो रहा है? मुंह फूला हुआ है, क्या बात है? ये सिगरेट तुम्हारे हैं? मन भर का सर हिला रहे हो, तोले भर की जबान नहीं हिलती, क्या बात है? हाय राम, ये धुआं कैसा? मुंह में आग लग रही है। आग? अरे मुंह क्या तक रही हो, बुझाओ बुझाओ। बदतमीज, दो दिन की बहार प्यारे, दो दिन की बहार, दो दिन की बहार, दो दिन की, दो दिन की बहार प्यारे, दो दिन की बहार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार, बसा ले प्यार, बसा ले प्यार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार। दो दिन की बहार प्यारे, दो दिन की बहार। देखो ये ऋतु फिर ना आएगी, दिल को ना तड़पाएगी, पायल की झनकार प्यारे, दो दिन की बहार। कैसे कहूँ रे बाबू, कैसे कहूँ रे चला, कैसे कहूँ। मेरे होठों पर जो गाना है, हर दिल का अफसाना है, सुन लो जरा सरकार प्यारे, दो दिन की बहार। गीत अनोखे गा
लिए चलते लिए मेरे संग संग तू भी गाता जा दिल का साज बजाता जा देख न कर इनकार प्यारे दो दिन की बहार दिल में बसा ले प्यार बलमा दिल में बसा ले प्यार सोच में पड़े हैं ना सोच रहा हूं जो लड़की तुम्हें पसंद थी वो तो 12 बरस से गुम है तुम्हारा प्रेम मन चला भी है और जवान भी जवानी दीवानी होती है कहीं गलत रास्ते पर न लग जाए माफ कीजिए मेरा बेटा ऐसा नहीं सर फिरते देर नहीं लगती बावली आजकल के नौजवान तो पैदा होते ही इश्क फरमाने लग जाते हैं जेब में तस्वीरें डालकर घूमते हैं एक्ट्रेसों की अपना वक्त याद आ रहा है आपको यही समझ लो जवानी बड़ी खतरनाक चीज है मैंने खतरे का इंतजाम कर लिया है देखिए कौन है सेठ भगत नारायण की पुत्री आशा रानी अभी अभी बीए पास किया है गुणवती रूपवती सौभाग्यवती लड़की क्या है आकाश की अप्सरा है हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं और प्रेम मेरी पसंद को देखकर उछल पड़ेगा अभी आती हूँ प्रेम क्या हो रहा है बेटा कुछ नहीं माता जी मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ वो क्या ये देखो कौन है ये बाद में बताऊंगी कैसी है तारीफ नहीं कर सकता वाह माँ वाह पसंद आई या नहीं इसे कौन ना पसंद करेगा कद्दू की तरह गोल मटोल चेहरा बैंगन की तरह लंबी नाक आंखें जैसे दीवार में दो छेद दांत शरीफे के बीच ये औरत की तस्वीर है या चुप रहो जी लाड साहब को कुछ पसंद ही नहीं आता बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं माँ तो ले आना कहीं से परी भी आकर शादी करूंगा तो परी से वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा ओफ नहीं समझे मुबारक हो मुंह तो मीठा कराया होता हटो जी जैसा बाप वैसा बेटा आपको कौन पसंद आई थी जो उसे आती भाई हमने तो तुम्हें पसंद किया था मगर मेरी तस्वीर देखकर तो आपने भी इनकार कर दिया था तो उसे भी लड़की दिखा दो सोचती क्या यही करना पड़ेगा चांद सी शक्ल में कीड़े निकालने बैठ गया है मालिक 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 वो लोग नदी के करीब धोबी घाट के सामने डेरे डाले हुए हैं और उस लड़की का नाम है दुलारी दुलारी नाम भी प्यारा प्यारा और सूरत भी प्यारी प्यारी मालिक क्या हो गया है आपको सुदबुद खो बैठा हूँ जादू कर गई है मुझ पर जादू अब क्या होगा उसी ने जादू किया है वही इलाज करेगी भूत उतारने के लिए तो नत्थू पहलवान बड़ा मशहूर है मालिक अरे पगले ये भूत नत्थू पहलवान ना उतार सकेगा सोने की चिड़िया है दुलारी मानते हैं भाई क्या रोज इतना ही लाओगे हाँ सरदार हाँ 12 बरस पहले इन लुटेरों ने इसी शहर में एक शरीफ आदमी की पूंजी लूटी थी और आज भी इसी शहर में इनकी तकदीर जागी है मेरी तकदीर भी तो जाग उठी है
कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ चले जाओ मालिक, होशियार रहना, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। आशिक भी बड़े खतरनाक होते हैं, कफन बांध कर जाते हैं यार की गली में। अगर ये सपना सच्चा हो जाए तो मैं चाराने का प्रसाद चढ़ाऊंगी भगवान। मेरा नाम प्रेम है, सपना सच्चा निकला, प्रसाद चढ़ा देना वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। तुम इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? तुमने याद किया, हम चले आए। नहीं नहीं, वापस चले जाओ, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। क्या होगा? ये लोग बड़े जालिम हैं। मार ही तो डालेंगे, मैं अभी हथेली पर सरक कर आया हूँ। प्रेम बाबू, मालूम होता है आप प्रेम का मतलब नहीं समझते। तुम समझती हो? आपसे ज्यादा। बस 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 बस, मैं यही सुनना चाहता था। अच्छा फिर मिलेंगे। किस सोच में खड़ी हो रानी, उदास मालूम होती हो। जी नहीं तो। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मेरी मेहनत और तुम्हारी कामयाबी को देखकर सरदार ने फैसला किया है कि दिवाली पर हम दोनों की शादी कर दी जाए। शर्मा गई? भला आप शर्म किस बात की? मुझे छोड़ दीजिए, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या की खबर सुनकर भी तबीयत खराब है? मूरख हो मूरख, ये घूंघर वाले बाल, ये मत भरी आंखें, ये रूप, ये जवानी। नहीं नहीं, मुझे परेशान ना करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जो राजमाना चाहती हो
कमीनीस, तेरी ये हिम्मत, ये मजाल। दुलारी के खेमे में कुछ चोर घुस गया है। चोर? और हमें लूटने आया है? देखे। छोड़ दो मेरे हाथ। उई, आए। हैं? आपके लाड प्यार ने इस कमीनी को बिगाड़ डाला है सरदार। पूछिए, ये कीमती अंगूठी इसके पास कहां से आई? अंगूठी? दुलारी, सच सच बताओ। ये अंगूठी तो मुझे। क्यों नहीं कहती कि किसी आशिक ने दी है? ये झूठ कहता है सरदार। देख ली इसकी दिलेरी, इसके सर पर इश्क का भूत सवार है सरदार। अब ये यहाँ से भागना चाहती है। नहीं नहीं, ये बात नहीं सरदार। मैं दुलारी, मेरी मेहरबानियों से फायदा उठाने की कोशिश ना करना। खबरदार जो ऐसी हरकत की। सरदार, सरदार के हुक्म के खिलाफ चलने वाले का सर कुचल दिया जाता है। उधर बैठो। अच्छी चीज है। कसम है ऐ दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना। दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना। ऐ दिल तुझे कसम है। तुझे कसम
रही हो? बाबा। ना रो मेरी बच्ची, मैं तेरी मांग में सिंदूर भरूंगा। जी चाहता है तुझे भून के खा जाऊं, जी चाहता है तुझे कच्चा ही चबा जाऊं, जी चाहता है तुझे कुएं में फेंक दूं, जी चाहता है तुझे पहाड़ की चोटी से धकेल दूं, जी चाहता है तुझसे बात तक न करूं, जी चाहता तेरी शक्ल तक न देखूं। अच्छा तो मैं चला। हा? अब जाने कौन देगा तुम्हें? कस्तूरी ने दिल दिया है दिल, मोहब्बत की है मोहब्बत, आज फैसला होकर ही रहेगा। तेरे पांव लड़खड़ाए तो जान दे दूंगी, नहीं नहीं जान ले लूंगी। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? तो फिर दुलारी के खैमे में क्यों गया था? तेरे ध्यान में जा रहा था कि भूल से वहां पहुंच गया। सच? तुझे मेरा ध्यान आता है? क्यों नहीं, सीने में दिल है और दिल में तुम्हारा ख्याल। फिर तो तुम बड़े ही अच्छे हो जग्गू। इधर आओ, इधर आओ ना, मेरे पास आके बैठो। नहीं नहीं तुम खड़े रहो। अच्छा तो फिर बैठ जाओ। नहीं नहीं तुम खड़े ही रहो। अच्छा तो फिर बैठ ही जाओ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा दबा दो ना। सर में दर्द हो रहा है तो टक्करे मारो, अभी दूर हो जाएगा, न रहेगा सर, न रहेगा सर का दर्द। हाय राम, कैसे बेदर्दी से पालना पड़ा। मोहब्बत देख मुसीबत। सितारे रात रंगीली, दर्द की दुनिया नया नगर आबाद करेंगे, जीवन को आजाद करेंगे। हम तुम दोनों प्यार के मारे, हम तुम दोनों प्यार के मारे, मस्त नजारे सुनाए चांद सितारे रात रंगीली। आओ 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 चले आकाश पे हम तुम, चांद की नगरी में छुप जाएं, दुनिया वाले देख न पाए। नाच नाच के ताल पे मन की, नाच नाच के
रे रात रंगीली। है आप अभी तक तैयार नहीं हुए? सेठ भगत नारायण घर चाय पर जाना था, लड़का लड़की को देख लेता और लड़की लड़के को, दो मिनट में बात तय हो जाती। देख रही हो कि मैंने जुलाब लिया है? समदन के घर मजाक उड़वाने ले जाओगी मेरा? आप तो हर रोज जुलाब लेते हैं, जवान बेटे का भी ख्याल कीजिए। एक चम्मच उसे भी पिला दो, ठीक हो जाएगा। आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है, हटिए। बिगड़ गई? सच है, खूबसूरत औरत का गुस्सा भी खूबसूरत होता है। इतना बनाओ सिंहार तो कभी तुमने हमारी खातिर भी नहीं किया था। आप न बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो, तुम्हें इस रूप में देखकर बल्लियों उछल रहा है। आओ बैठो हमारे पास। हाय राम, आज क्या हो गया है आपको? जुल्लाब लिया है। छी, तो मैं प्रेम को लिए जाती हूँ। अब की अकल की बात, जिसे पसंद करना है वो ही जाए। हाय राम। प्रेम? जी माता जी। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास। वो क्यों? इलाज करवाने। क्या तकलीफ है? नींद नहीं आती। हाय राम, ये रोग कब से लगा? चिंता की जरूरत नहीं माँ, दो गोलियां खाऊंगा बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अच्छा तो जरा मेरे साथ चलो। कहाँ? सेठ भगत नारायण के घर चाय की दावत है। मुझे तो चाय पीने की आदत नहीं, एक जरूरी काम भी है मुझे। तो मुझे पहुँचा कर चले जाना। मैं समझा था आप पिताजी के साथ जाएंगी। तुम्हारे पिताजी तो जुल्लाब लिए बैठे हैं। मेरा ख्याल है एक चम्मच तुम भी पीती जाओ, अच्छी चीज है। माफ कीजिए, चलो बेटा। नमस्ते। नमस्ते, बड़ी उम्र है आपकी, अभी अभी याद किया था। शुक्रिया, मेरा बेटा प्रेम। ओह अच्छे हो बेटा। जी। बड़ा शर्मिला है। आइए। माता जी मुझे तो बुरी बात है। बैठिए, तुम भी बैठो बेटा, आराम से बैठो। माता जी बुरी बात है। क्या बात है? कुछ नहीं, शर्मा रहा है। अरे बेटा अब शर्म किस बात की, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। आशा कहाँ है? सिंगार कर रही है, नया जमाना है और नए नए फैशन। सुबह से शाम हो जाती है बनते समरते, बस अभी आती है। कपड़े तो पहन चुकी है, अब बाल संवारती होगी, बस अभी आती है। दर्जन जूते हैं, मतलब का तलाश करती होगी, बस अभी आती है। क्यों क्या हुआ? सर में मालिश कराने जा रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। मैंने कहा सरकार, रूठे ही रहोगे या कभी मानोगे भी? तुम मेरा पीछा छोड़ोगी या नहीं? ये मोहब्बत है सरकार, मजाक नहीं। उफ, तुम औरत हो या मुसीबत? मोहब्बत कहो मेरी जान, मोहब्बत हूँ। तुम्हारे चरणों की धूल मेरी मांग का सिंदूर बन जाए, बस इसी आशा में जी रही हूँ। उस छछूंदर का ध्यान छोड़ दो, घाटे में रहोगे। और तुझे अपने मन मंदिर की देवी बना लूं, फायदे में रहूंगा। दिल में नहीं,
तो इन चरणों में ही जगह दे दो। बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊं? आंखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, आंखों में मेरा दिल तोड़ने की कोशिश मत करो दुलारी। साफ कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मोहब्बत? तुमसे मोहब्बत तो मुझे पहली नजर में हो गई थी प्रेम बाबू, मगर मगर क्या? बात अधूरी क्यों छोड़ दी? आखिर किस चीज का डर है तुम्हें? मैं मजबूर हूँ। तुम मुझे अपनी मजबूरियां बताओ, मैं हर किस्म की मदद करूंगा तुम्हारी। नहीं नहीं, मैं ना बताऊंगी, मैं नहीं बता सकती। दीवानी ना बनो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं वादा करता हूँ कि ये राज किसी पर जाहिर ना होगा। सच कहते हो? बिल्कुल सच, मैं तुम्हारा हमदर्द बनकर आया हूँ। प्रेम बाबू, मैं नहीं जानती मेरी रगों में किस शरीफ खराने का खून है, मगर एक परखटे हुए पंछी की तरह मजबूर होकर मैं इन जल्लादों के इशारे पर नाच नाच कर बेहया की जिंदगी गुजार रही हूँ। तो क्या तुम इन बंजारों की औलाद नहीं? नहीं, मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं। मेरी तरह एक और शरीफ आदमी भी यहाँ गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है, वो मेरे राज से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं तुम्हारी दिलो जान से मदद करने के लिए तैयार हूँ देवी, आओ भाग चले। आन की आन में मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारा कुमलाया हुआ चेहरा, बेताब आंखें, धड़कता हुआ दिल सुख और चैन के गीत गाएगा। मैं तुम्हें उस आकाश पे ले जाऊंगा जहाँ चांद और सितारे तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे। हुस्न की देवी, तुम वो मूर्ति हो जो सुबह शाम पूजने के लिए बने हो, दर बदर की भीख मांगने के लिए नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इस सुनहरी मौके से फायदा उठाना चाहिए। आशा की कलियां फूल बनने के लिए बेताब हैं। उठो। नहीं नहीं, इस वक्त नहीं,
दिन के उजाले में ये खूनी भेड़िए शिकार की खोज में रहते हैं। मैं तुम्हें रात को मिलूंगी। बहुत अच्छा, मैं पुराने खंडरात में तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर वचन दो के जरूर आओगी। दिया वचन। बादल की गरज, बिजली की कड़क, आंधी और तूफानों ने अगर रास्ता रोक लिया तो भी जरूर आऊंगी। ये क्या? बंदूक चलने की आवाज थी, मगर हम सलामत हैं। तुम चले जाओ फौरन, शायद इन जालिमों ने देख लिया है हमें। बहुत अच्छा, वचन तो याद रहेगा। मैं नहीं भूलूंगी, बस अब जाओ। माफ कीजिएगा, शायद बंदूक की आवाज से डर गई हैं आप। मैंने उड़ते हुए पंछी पर गोली चलाई थी, मालूम न था कि आप। क्या मैं अपना शिकार उठा सकता हूं? शुक्रिया। तेरी शान निराली है भगवान, पंजारों में ऐसा हुस्न। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, वादा करो आज से तुम मेरे सिवा किसी दूसरे को नहीं देखोगे। तुम तो मेरी नस नस में समाई हुई हो रानी, लो दिया वादा। सच? तुम्हारे सर की कसम। फिर वही हरकत, अभी अभी क्या वादा किया था? भूल हो गई, गोली मारो गोली मारो, मैं तो तुम्हारा हूं। श्रीमती जी अपने लाडले बेटे की सगाई भी तय कराई और हमें खबर तक ना हुई। अब लड्डू कब बटेंगे? अगले जन्म में। है इतनी लंबी तारीख क्यों पड़ गई? इसलिए कि हुजूर के सपूत का मिजाज हाजिर न था। लड़की पसंद नहीं आई? लड़की देखी ही कहाँ है जो पसंद करता। आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा था या मेरी तरह सोफे पर बैठा बैठा सो गया था? बाल की खाल निकालना तो आपकी आदत हो चुकी है, चला गया था। कहाँ चला गया था, किस लिए चला गया था, क्या समझ कर चला गया था? मैं देख रहा हूँ उसकी आवारा गर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। दिन को गायब, दोपहर को गायब, रात को गायब, जब देखो जब गायब। आने दो प्रेम, कहां से आ रहे हो? सर मैं मालिश करवाने गया था, बहुत दर्द है पिताजी। आप भी मालिश करवाया कीजिए, बस हम ही पर हुक्म चलाना आता है। इसे भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, गुस्ताख छोकरा, क्या समझता है अपने आप को? प्रेम मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम घर से गायब रहते हो, वजह? सैर करने चला जाता हूं पिताजी। सैर के बहाने कोई नया गुल न खिलाओ, इससे पहले मैं तुम्हें शादी की जंजीरों में जकड़ देना चाहता हूं। मगर इतनी जल्दी क्या है? जल्दी लड़की वालों की तरफ से भी है और हमें भी तुम पर भरोसा नहीं रहा, समझे? मुझ पर भरोसा नहीं? सुन लीजिए माता जी, माँ को तो तुम हमेशा बनाते आए हो, अब बाप को भी बनाना चाहते हो। सेठ भगत नारायण के यहाँ तुम्हें लड़की पसंद करने के लिए भेजा गया था और तुम सबको चकमा देकर खिसक आए। सर में दर्द था पिताजी, मालिश करवाने चला गया था। अब तो सर में दर्द नहीं, फैसला करो। अब भी दर्द है, आज मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। बाप शेर बेटा सवा सिर, बस हमें पर हुक्म चलाना आता है। तुम समझती क्या हो, ये फैसला आज होकर रहेगा। खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। तुम यहां ठहरो, मैं फैसला करके आता हूं।
फैसला करने आया हूँ। हम ज्यादा देर तक लड़की वालों को नहीं रोक सकते। फैसला तो सुबह भी हो सकता है पिताजी। इस वक्त मैं सोना चाहता हूँ। तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? हाँ भाई, सर दर्द जो ठहरा। बत्ती बुझा दूं? जी मेहरबानी होगी। हो गया फैसला? फैसला कल सुनाऊंगा। तुम्हारा लाडला पूरे 16 आने मुजरिम साबित हुआ है। मुजरिम? एक नहीं पूरे 10 जुर्म हैं। 24 घंटे में 20 घंटे घर से गायब रहता है। 60 मिनट में 30 सिगरेट फूंक देता है। अजी सर दर्द का तो बहाना है, जूते पहनकर सोया पड़ा है। जूते? जी हाँ, जरूर दाल में कुछ काला है। क्या हो गया है प्रेम को? जवानी का भूत सवार है। भूत? अब क्या होगा? इलाज करना पड़ेगा। आज रात मेरा बिस्तर प्रेम के दरवाजे पर लगेगा। तुम जा सकती हो। Thank you.
लोग जाग रहे हैं और वहां वो मेरे इंतजार में होंगे। वादा पूरा ना हुआ तो वो मुझे धोखेबाज समझेंगे। ज्यादा हो चुकी है, चलो अब घर चलें। नहीं, मैं यही इंतजार करूंगा। तो घर से बिस्तर उठा लाऊं? नहीं। घोड़े की जीन बिछा दूं? नहीं, खड़े खड़े आप थक जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, फिर लीजिए इससे दिल बहलाइए।
आसमान पर चांद है, जमीन पर तुम। बताओ चांद ज्यादा खूबसूरत है या तुम? चांद ज्यादा खूबसूरत है और चांद से भी ज्यादा तुम। सच? तुम्हारी कसम। बस इसी तरह प्यारी प्यारी बातें किया करो, तुम रुक जाते हो तो हमारी दुनिया उजड़ जाती है। बहुत अच्छा, जाओ सो जाओ जाकर। माँ अभी नहीं। तो फिर अकेली बैठो, मैं चला, नींद आ रही है। अजियो इधर कहाँ, तुम्हारा खैमा तो उधर है उधर। हाँ? ओ, ओ, ओ। कौन है अंदर? ओ तुम जाग रही हो अभी तक? अब समझी के मामला क्या है? इंतजार हो रहा है किसी का? क्या मतलब? दुलारी मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे माल पर डाका डालने की ताक में अपनी जान भी गंवा बैठोगी। जग्गू मेरा है और मैं उस पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं देख सकती। अगर तुम चाहती हो कि जग्गू हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए तो एक सूरत है, आओ आज से हम एक दूसरे का दुख बांट लें, सहेलियां बन जाएं। मैं और तुझे अपनी सहेली समझूं? नामुमकिन है। मैं तुम्हारी रकीब नहीं हूँ कस्तूरी, तुम धोखा खा रही हो। और तू सच बोल रही है? बेशक मैं सच कह रही हूँ। जिस तरह तुम जग्गू को प्यार करती हो उसी तरह मेरा दिल भी किसी के लिए बेचैन है। अगर हम एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाएं, तो दोनों की मुरादें पूरी हो सकती हैं। क्या चाहती है? इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। आज से मुझे अपनी बहन समझो। कस्तूरी बहन, कस्तूरी बहन, मैं किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की जरूरत नहीं, आज से तुम्हें भी सुखी देखना मेरा फर्ज हो गया है। तुम अभी जा सकती हो। मैं इसीलिए बेचैन हूँ, वो मेरे इंतजार में होंगे। तो फिर तुम्हें एक लम्हा भी बर्बाद न करना चाहिए। सुनहरा मौका है, चारों तरफ सन्नाटा है, किस्मत मेहरबान है। आन की आन में तुम अपने प्रीतम के पास पहुंच जाओगी। मगर भरोसा रखो, ये राज किसी पर जाहिर ना होगा। मेरी प्यारी बहन, नमस्ते। भगवान तुम्हारी सहायता करे। मोती, तुम जा सकती हो। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए हर एक शम्मा जल चुकी ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे तड़प रहे हैं हम यहाँ तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे इंतजार में खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में मौसम बहार में हवा भी रुख बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे प्रेम बापू इंतजार करते करते आंखें पथरा गई थी मगर दिल कहता था तुम जरूर आओगी सो मैं आ गई मेरी तकदीर को बदलने वाले अब मैं तुम्हारी हूँ वापस तो ना जाओगी हरगिज़ नहीं तो फिर आओ मैं तुम्हें उस स्वर्ग की सैर कराऊं इसके तुम स्वप्न देखा करती हो मैं तो सलामत हूं मगर उसका क्या हाल है कैसी मीठी नींद सो रही है दासी तुम यहाँ क्या कर रही हो मीठी नींद सो रही थी कि हजूर ने जगा दिया मैंने अभी अभी लग्न मंडप का ख्वाब देखा है दुलारी कहाँ है अच्छा तो आप दुलारी के पास आए हैं मैं कोई खिदमत नहीं कर सकती मालूम होता है तुमने उसे भगा दिया है मगर मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा
जगह ढूंढ लेना। इस वक्त तो बैठो, सुहानी रात है, मीठी मीठी बातें करेंगे। अलग हट। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें न जाने दूंगी। तुम हर जगह नहीं जा सकते। कस्तूरी, मेरे गुस्से से डरो, मेरी मोहब्बत का ख्याल करो। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो अंजाम अच्छा ना होगा। तेरी ये हिम्मत, एक कमजोर औरत और जग्गू से मुकाबला? भूल रहे हो जग्गू, चींटी हाथी को मार डालती है। तुम जिससे टक्कर ले रहे हो वो एक कमजोर औरत नहीं, करती हुई बिजली है। जो दिल तुम्हें प्यार कर सकता है, वही दिल तुम्हें जला कर राख भी कर सकता है। सलामती चाहती हो तो हट जाओ रास्ते से। नहीं नहीं नहीं, आज फैसला होकर ही रहेगा। सुंदर रात है,
ऐसा मालूम होता है जैसे मैं चांद की नाव में बैठकर स्वर्ग में पहुंच गई हूं। और सूरज की पहली किरण हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसके बाद मैं अपनी देवी को दिल के शीश महल में बिठाकर प्रेम का रंग भरूंगा, इश्क हुस्न को लोरियां देकर सुलाएगा। नया जीवन होगा, नई बहार होगी, नए फूल खिलेंगे और नई दुनिया आबाद होगी। समझी थी कि मैं तुझे ढूंढे बगैर ही छोड़ दूंगा। ले चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बातों को आप झूठ समझते थे सरदार, हाथ से निकल गई तो सबके सब फाके करेंगे फाके। दुलारी, तुमने फिर वही हरकत की। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सरदार। ठहरिए, मैं ठीक करता हूं। ले जाओ, इसकी मुश्किल बांध दो। छोड़ दो मुझे। भगवान के लिए छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। अब के भागी तो सरदार पैर ही तो डालेंगे तेरे। चलो मंगू, आज से तुम्हें पहरा देना होगा। कड़ी निगाह रखो, खबरदार भागने ना पाए। बहुत खूब सरदार, बहुत खूब। कस्तूरी बहन, मेरी बच्ची। बाप, तू बड़ी बदनसीब है दुलारी। बारह बरस पहले आज के दिन इसी घर में शोभा की सालगिरह का जश्न था और आज यही घर वीरान दिखाई देता है। तकदीर के डाकू ने मेरी बच्ची के बदले इस घर को लूटा होता तो मुझे अफसोस ना होता भाई। अब तो ना मौत ही आती है, ना बच्ची और उसकी मां की याद ही दिल से निकलती है। एक मरकर छोड़ गई,
दूसरी जुदाई का दाग देकर चली गई। किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है, सब्र कीजिए। सब्र करने से अगर शोभा मिल सकती है तो मैं 100 बरस तक आंखों में दम रोके बैठा रहूंगा। अखबारों में इश्तहार दिए, हुलिया छपाया, शहर का चप्पा चप्पा तलाश किया, जंगलों और पहाड़ों की खाक छानी, मगर बेसूद। शोभा ना मिलनी थी ना मिली। ठहरिए, एक दिन मैं जंगल में शिकार खेल रहा था। शिकार? फिर क्या हुआ? मैंने वहां एक लड़की देखी थी। लड़की? कैसी लड़की? लिबास से तो बंजारन दिखाई देती थी, मगर शक्ल सूरत बड़ी अनोखी थी। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि उसके चेहरे पर भी शोभा रानी की तरह तिल का निशान था। इतना बड़ा गोल निशान। वही है रमेश बाबू, वो बंजारन नहीं मेरी शोभा है। देखो इस तस्वीर की तरफ देखो, माँ के चेहरे पर भी तुम्हें उसी तरह का निशान दिखाई देगा। इतना बड़ा गोल निशान बाई आंख के करीब, यहाँ पर। जी हाँ, देख रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही निशान। ये निशान मरने वाली अपनी यादगार छोड़ गई है शोभा के चेहरे पर। रमेश बाबू तुम नहीं जानते, ये बंजारे रुपया बटोरने के लिए शहर से बच्चों को उड़ा कर ले जाते हैं। उस जमाने में हर तरफ यही शोर था। मैंने भी एक बंजारे को अपने घर के सामने बाजा बजाते हुए देखा था। हो ना हो वही मेरी बच्ची का डाकू है। भगवान के लिए मुझे वहां ले चलो, मैं उस बंजारे को बड़ी से बड़ी कीमत देकर अपनी बच्ची खरीद लूंगा। चलो जल्दी चलो, ये लोग खाना बदोश होते हैं, आज यहां कल वहां। खानदान की इज्जत और आबरू को बर्बाद करने वाले नादान छोकरे, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए जन्म दिया था कि तू जवान होकर एक बंजारन की मोहब्बत में माँ बाप की उम्मीदों का खून कर दे? अच्छा होता अगर वो बदमाश तुझे जान ही से मार डालते और तुझे इस घर तक पहुंचने की नौबत ही ना आती। वो बंजारन नहीं, एक खानदानी लड़की है पिताजी। खामोश गुस्ताख, तुम एक जलील और बाजारी औरत को खानदानी लड़की समझकर अपने आप को ठग सकते हो, मगर बाप को धोखा नहीं दे सकते। मैं फिर कहता हूँ पिताजी, वो एक खानदानी लड़की है। वो जो कुछ भी है तुम्हें उसका ध्यान छोड़ना पड़ेगा। ये तो ना हो सकेगा पिताजी। क्या कहा? ये नामुमकिन बात। मगर मैं इस भूत को उतार कर ही रहूंगा। याद रखो प्रेम, इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी इतनी ताकत है कि मैं हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकता हूँ। और मेरे शरीर की नस नस में भी उसी ताकत और बाप का लहू मौजूद है। मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश न कीजिए। ओ, तो तुम अपने बाप से बगावत पर उतर आए हो? जी नहीं, मैं सपूत बनकर जीना चाहता हूँ, मगर अपने इरादे को नहीं बदल सकता। तुम्हें नुकसान होगा। इस नेक काम के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस ना होगा। मैं उस लड़की को गुनाह की दुनिया से निकालने का फैसला कर चुका हूँ। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। तुम उस लड़की की खातिर बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत और इस घर की हर नेमत से महरूम कर दिए जाओगे। माँ बाप की मोहब्बत और इस घर की दौलत खोकर भी मैं एक मजबूर अबला की जिंदगी संवारने को बेहतर समझता हूँ। मुझे जाने दीजिए। प्रेम, रुक जाओ प्रेम, भगवान के लिए रुक जाओ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हंसता खेलता हुआ घर बर्बाद हो जाएगा बेटा, तुम अपनी बुढ़ी माँ के कलेजे में भाला मार कर न जाओ। जाने दो, ये मेरी आबरू का दुश्मन और कलंक का टीका बनकर नहीं रह सकता इस घर में। नहीं नहीं, नादान बच्चे को सीधी राह पर लाना हमारा फर्ज है नाथ। मैं अपने औलाद को तबाह तो नहीं देख सकती। मेरा फैसला अटल है माता जी, मैं उस देवी को पाप के बाजार में बिकते नहीं देख सकता। पराई आग में न कूदो बेटा, बदनाम हो जाओगे। बदनामी के डर से मैं इस नेक काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैंने उस देवी को बचाने का वचन दिया है, मुझे जाने दीजिए। प्रेम, प्रेम, प्रेम। Thank you.
मोहब्बत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने सा, तीर मारा है गम ने सा, तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक दिल कब तेरा सहारा है, दिल कब तेरा सहारा है। अब दिवाली तक इंतजार करना फजूल है सरदार, दुलारी के पर निकल आए हैं, उड़न छू हो गई तो हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। इसे झटपट शादी की जंजीर में जकड़ लेना चाहिए, कमाई भी होती रहेगी और भागने भी न पाएगी। बिल्कुल ठीक है, कल तुम्हारी शादी होगी। सरदार, 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 पुल के करीब एक मोटर बिगड़ी खड़ी है, उसमें दो सेठ बैठे हैं, उनके पास रुपयों की थैलिए हैं सरदार। रुपयों की थैलियां? सच कहते हो? हाँ छोटे सरदार, चलिए लूट ले उन्हें। चलो उठो, तैयार हो जाओ। किस्मत की बात है, मैं अपनी बच्ची के करीब पहुंचकर भी उससे दूर हूं। कितनी देर और लगेगी रमेश बाबू? ड्राइवर ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जरा जल्दी करो भाई, शाम हो गई। खबरदार, किसी ने भागने की कोशिश की तो ठेक कर दूंगा। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे इस कैद से निकालो पापा। यही सोच रहा हूँ बेटा, उन 12 बरस से मैं तेरे माता पिता को तलाश कर रहा हूँ, मगर किस्मत साथ नहीं देती। तब क्या होगा, ये जल्लाद तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं मेरे। चिंता ना कर बच्ची, भगवान भली करेंगे। आवाज निकाली, छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मैं दुलारी से मिलने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम। प्रेम, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो प्रेम बाबू, लुटेरे लूटने गए हैं और इस वक्त यहाँ कोई खतरा नहीं, मैं बाहर का ध्यान रखती हूँ और तुम जाओ अंदर। कौन हो तुम? ठहरो, ठहरो। जाने दो बाबा, जाने दो। ये तुमने क्या किया, अब क्या होगा? डरो मत बाबा, दुलारी इसी शरीफ आदमी के पास जाने के लिए बेचैन थी। मगर ये बात छुपेगी कैसे, ये लोग तो हमें जान से मार डालेंगे। चिंता ना करो बाबा, मुझे एक तरकीब सूझी है। इतनी दौलत, जग्गू जग्गू तुमने कमाल कर दिया। अब तुम्हारी शादी बड़े ठाट से होगी। मैं धनी को भी पकड़ लाया हूँ, इतनी दौलत और मिलेगी तो छोड़ूंगा। बिल्कुल ठीक, फिर तो तुम्हारी शादी और भी ठाट से होगी। बचाओ बचाओ।
बचाओ। हैं? बचाओ। ये किसकी आवाज? बचाओ, 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 बचाओ। हैं? ये क्या? क्या बताऊं सरदार? दो चार आदमी बंदूक लेकर आए, मुझको बांध दिया और दुलारी को उठा ले गए। तुम्हारा सत्यानाश, तुम दोनों जाने क्यों दिया? गजब हो गया सरदार, गजब हो गया। चोरों के घर सेंध लगाने वाले पैदा हो गए हैं। दुलारी फिर भाग गई। फिर भाग गई? अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ये शादी होगी और जरूर होगी। चलो। हीराचंद जी, हीराचंद जी, होश में आइए। हम लोग कहाँ हैं? ये सब क्या था? एक भौंचाल आया था, डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। हम लोग भी कैद में पड़े हैं। काश ये डाकू मुझे जान से मार डालते, मैं दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाता। हिम्मत से काम लीजिए, कुदरत इम्तिहान ले रही है। हर चीज का अंत होता है, मगर मेरी दुख भरी जिंदगी का अंत भी नहीं होता। मैंने इन्हीं खेमों के करीब उस लड़की को देखा था। तो क्या मैं अपनी बच्ची के द्वार तक पहुंच गया हूं? जी हाँ, लेकिन मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। तुम कौन? घबराए नहीं, मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। मदद? हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दो। लाती हूँ। कौन था? उसी ग्रोह की लड़की दिखाई देती है, अब उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। भगवान मुझे मेरी बच्ची से मिला दे। पहले इन्हें पिला दो। आप लोग इन बदमाशों के जाल में कैसे फंस गए? तकदीर के खेल हैं। यहां कोई शोभा नाम की लड़की भी रहती है? शोभा? नहीं तो? नहीं, नहीं कहकर तुमने हमारा आखिरी सहारा भी तोड़ दिया। पर रमेश बाबू, अब क्या होगा? बचपने में इनकी बच्ची गुम हो गई थी, 12 बरस से तलाश कर रहे हैं। आप लोग अपनी जान की खैर मनाए, ये लोग बड़े जालिम हैं। तो फिर इनसे कह दो कि मुझे भी जान से मार डाले, अब जीने से क्या फायदा। भगवान का शुक्र है हम खतरे से निकल आए। अब तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। कल हमारी शादी होगी, बागीचे की पत्ती पत्ती हमें बधाई देगी, फूल शादियां ने बजाएंगे, बुलबुलें गीत गाएंगी और दो मोहब्बत के मतवाले हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। भगवान वो शुभ घड़ी जद लाए।
नाथ। क्या है? एक बात कहूँ। क्या? प्रेम को घर वापस ले आइए नाथ, सुना है वो बागीचे वाले मकान में है। कामनी, अगर तुम चाहती हो कि रही सही धूल भी उड़ाकर मेरे चेहरे पर डाल दो तो तुम्हें अख्तियार है, मगर मेरी रगों का लहू अभी इतना सर्द नहीं हुआ, मुझे मजबूर न करो। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और अगर वो मेरे जाने पर भी ना आया तो? वो नादान है, गुस्ताख नहीं, आपको देखते ही चरणों पर सर रख देगा। जाऊंगा, मगर एक शर्त है। आपकी हर शर्त मंजूर है। अगर वो सीधी तरह ना आया तो मुझे जबरदस्ती से काम लेना होगा। आपको हर तरह का इख्तियार है। सगाई तो कभी की हो चुकी है, शादी का मुहूर्त आज है। इधर रस्म पूरी हुई, उधर हमने आपके हथेली पर 50 रुपए रखे, बस आधे घंटे का काम है। कोई जवाब नहीं। पंडित जी, आप ये चीजें संभालिए, मैं खोलता हूँ दरवाजा। अच्छा। दुलारी कहाँ है? दुलारी कहाँ है? मैं कहता हूँ दुलारी कहाँ है? उफ, अब क्या होगा? दुलारी! 50 रुपए? अरे मैं तो यहाँ हूँ, बापूजी, बापूजी, बाप, बाप। ये रही बंदूक, वो बदमाश दुलारी की खोज में इसी रास्ते से गुजरेगा, देखते ही ढेर कर दो, निशाना चूक गया तो तुम दोनों की खैर नहीं। मालिक, प्रेम कहाँ है? वो
को मुसीबत बढ़ाने गए हैं। मालिक, छोटे सरकार की जान बचा लो, उनकी जान खतरे में है। मालूम होता है ये छोकरा अपनी जान गंवा कर ही रहेगा। आज मैं सिद्धि को सीधी राह पर लाकर छोड़ूंगा या उन बंजारों को ठिकाने लगाकर रहूंगा। बंजारों ने शहर के अमन को खतरे में डाल रखा है। लूट मार करते हैं, भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भाग जाते हैं। चलिए। बाबा, क्या 12 वर्ष पहले हमारी टोली ने इस शहर से किसी बच्चे को उड़ाया था? हाँ बेटा, उड़ाया था। वो बच्ची मर गई या जिंदा है? जिंदा है बेचारी। क्या नाम है उसका? दुलारी। दुलारी? मगर जिस बच्ची के बारे में मैं पूछ रही हूँ उसका नाम है शोभा। और जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये रही। गौर से देखो, इस तस्वीर के चेहरे पर भी
तुम्हें वैसा ही गोल निशान दिखाई देगा जैसा कि दुलारी के चेहरे पर है। हाँ बाबा, बिल्कुल वैसा ही निशान, वैसा ही। और ये साथ वाली तस्वीर तो उसके बाप की मालूम होती है। गजब हो गया बाबा, जो लोग यहाँ बंधे पड़े हैं वो दुलारी के सगे हैं। दुलारी के सगे? हाँ बाबा, और उनमें से एक दुलारी का बाप है। बाप? 12 बरस से वो अपनी बच्ची को तलाश कर रहा है। और 12 बरस से मैं उस आदमी को तलाश कर रहा हूँ, अब क्या होगा? हमें उनकी मदद करना चाहिए बाबा। मदद? मगर ये कैसे मुमकिन है? थोड़ी देर में तो जग्गू और दुलारी की शादी होने वाली है। मैं उस पाखंडी का ये अरमान पूरा ना होने दूंगी बाबा। तुम उन्हें आजाद करने की कोशिश करो और मैं शादी रोकने की कोशिश करती हूँ। इस नेक काम में हमें अपनी जान पर खेलना होगा। उठो। भागो, 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 भाग
यहाँ ना प्रेम दिखाई देता है ना लड़की, कहाँ गए? मालूम नहीं सरकार। ढूंढो, तलाश करो। मालूम होता था हमारी जिंदगी की नाव इस तूफान में डूब जाएगी। तुम बड़े बहादुर हो। नेकी और बदी में जंग थी रानी, भगवान का शुक्र है मैं तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो गया। मोहब्बत करने वालों का सारा जहान दुश्मन बन जाता है, मगर जीत सच्चे प्रेम ही की होती है। अब हमारे लिए कोई खतरा बाकी नहीं रहा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी है, मगर ये चोट लगन मंडप की आग से सेंक दी जाएगी। आओ।
माता जी। घबराओ नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हारी दुश्मन बनकर नहीं माँ बनकर आई। हमने तुम्हारी मर्जी पूरी करने का फैसला कर लिया है, घर चलो। नेक बच्चे भूल करने के बाद उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। मगर मैं इसे भूल नहीं समझता माता जी। इस मासूम की सूरत देखिए, इस बदनसीब की दुख भरी कहानी सुनिए, तब आपको मालूम होगा कि चौदहवीं के चांद को गहन लगा हुआ है। मैं इस चांद को अपने घर का उजाला बनाने के लिए तैयार हूँ। माँ की ममता अपनी औलाद को सुखी देखना चाहती है। बहुरानी, तुम मेरी आंखों की ठंडक और हृदय का चैन हो, चलो मेरे साथ। मगर पिताजी। उनकी चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। वो नाफरमान औलाद जो खानदान की आबरू चौराहे में लुटाने के लिए तैयार हो जाए, वो गुस्ताख छोकरा जो बूढ़े बाप के मुंह पर थूक कर चला जाए, हरगिज हरगिज माफ करने के काबिल नहीं हो सकता। कामनी, अगर तुमने दोबारा प्रेम की सिफारिश की तो अच्छा ना होगा। ऐसा न कहो नाथ, प्रेम हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी उम्र भर की पूंजी है। जवानी की भूल सख्ती से नहीं, नरमी से सुधारी जाती है। तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है, तुम्हारी ही तरफदारी ने उसे गुस्ताख बनाया है। धीरे बोलिए, गुस्से से काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है, आखिर वो हमारी औलाद है। कुचल डालो इस ममता को जो तुम्हें बेचैन कर रही है, जला दो इस दिल को जिसमें उस नालायक की मोहब्बत का ख्याल अब तक बाकी है। मैं इस बदनामी के धब्बे को माथे का तिलक नहीं बना सकता। बेहया, बेशर्म, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये मजाल, तू क्या समझकर इस आवारा लड़की को यहां लाया है? पिताजी, आप मुझे जो चाहें कह सकते हैं, मगर मैं एक शरीफ लड़की का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। अपमान के बच्चे, इसे जिस गंदगी से निकाल कर लाया है वहीं वापस ले जा। हाय राम, ये क्या हो गया है आपको? ऐसा जुल्म न करो नाथ, प्रेम आपको इस बदनसीब की दुख भरी कहानी सुनाने आया है। तुम चुप रहो जी, मैं एक नीच लड़की के लिए बिरादरी में नाक नहीं कटवा सकता। कहाँ जा रही हो? ठहरो, ठहरो। मेरी खातिर अपने माता पिता को नाराज न कीजिए प्रेम बाबू, मैं सचमुच आपके लायक नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, पिताजी को धोखा हुआ है, मैं अभी इस गलतफहमी को दूर किए देता हूँ। पिताजी, आप एक शरीफ लड़की को गुनाह की दुनिया में वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अकल के अंधे, तू इस आवारा लड़की को शरीफजादी समझता है? तकदीर बिगड़ने पर शरीफजादियां भी दरबदर की ठोकरें खा सकती हैं पिताजी, ये लाल गुदड़ी में भी पाए जाते हैं। बदतमीज, अनमोल हीरे की तरफ तो तुझे आंख उठाकर देखने से भी इनकार था, और गुदड़ी के लाल ढूंढने के लिए बाजारों की खाक छानता फिरता है, बड़ा जौहरी बनता है। ले जा इसे, मेरे घर में ऐसे लाल की जरूरत नहीं। दया करो नाथ, अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? सीधी तरह नहीं तो धक्के देकर निकाली जाएगी। आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है पिताजी। नहीं नहीं, रुक जाओ प्रेम। चलो बाबा। हैं? इन लोगों ने समझ क्या रखा है मेरे घर को? क्यों बे, कौन है तू, किस लिए आया है, क्या काम है तेरा? नाराज ना होइए साहब, मैं बुरी तरह जख्मी हूँ, मरने से पहले एक बहुत बड़ा राज बताने के लिए आया हूँ। तो क्या तू भी ये कहने आया है कि ये एक शरीफ लड़की है? बेशक, ये शरीफ लड़की है सरकार, और मैं यही राज बताने के लिए आया हूँ। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? ये देखिए। ये क्या सबूत है, क्या धरा इस लॉकेट में? आप इसे खोल कर तो देखिए। ओह, ये तस्वीर, ये तस्वीर तो सेठ हीराचंद उनकी बच्ची की मालूम होती। हाँ? मगर ये तुम्हारे पास कैसे आई? बचपन में इस बदनसीब को बंजारे उठाकर ले गए थे सरकार, और ये लॉकेट भी इसी बच्ची के गले में था। क्या आप इसके माता पिता का पता बता सकते हैं? ये तस्वीर मेरे मित्र की है। तो ये आपके मित्र की बच्ची है सरकार, गौर से देखिए, इसके चेहरे पर भी वैसा ही गोल निशान है जैसा कि तस्वीर में है। तुम सच कहते हो,
बिल्कुल वैसा ही गोल निशान है, वैसा ही जो शोभा रानी के चेहरे पर था। देखें। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, गुस्से में मेरी जबान से तुम्हारे खिलाफ न जाने क्या क्या निकल गया। बेटा मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं, बहुत ही शर्मिंदा। रमेश बाबू, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, मगर मैं इस जिंदगी से मौत बेहतर समझता हूं। दिल टूट गया, उम्मीदें खत्म हो गईं, मगर किस्मत नहीं बदली। किस्मत को बदलते हुए देर नहीं लगती भाई साहेब। यह किसकी आवाज? आपका मित्र गिरिजा शंकर। मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। खुशखबरी? और मेरे लिए? जी हाँ, किसी ने सच कहा है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, आपकी बच्ची घर बैठे मिल गई है आपको। क्या कहा? मेरी बच्ची मिल गई? कहाँ है मेरी शोभा? मुझे उसके पास ले चलो भैया, मुझे उसके पास ले चलो। जाने की जरूरत नहीं, शोभा रानी आपके चरण छूने के लिए खुद यहाँ आई है। पिताजी। शोभा, मेरी बच्ची। तेरे कुर्बान, मैं तेरे इंतजार में आंखों में दम रोके बैठा था, मैं तेरी याद में आंसू बहाया करता था। जरा जी भर के देखने दे मुझे, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरी आंखों के नूर। वही मोहिनी सूरत, वही मासूमियत, वही नक्शा, वही अंदाज। शोभा, शोभा मेरी बच्ची, तू मरने वाली की यादगार है मेरे लिए। मेरे मित्र, मेरे भाई, आपने बड़ा एहसान किया है मेरे हाल पर, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया तो प्रेम का अदा कीजिए, जिसने हजारों मुसीबतें झेलकर आपकी शोभा रानी को ढूंढ निकाला है। प्रेम, मेरे बच्चे, मैं तेरा एहसान मंद हूं, मेरे पास आओ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपनी औकात से बढ़कर इनाम दूंगा। प्रिय, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी दुलारी बेटी मिल गई है और आज ही इसकी शादी है। इन दोनों को आशीर्वाद दो।